और अगर ये बंद नहीं हुई तो फिर ये होगा। व्यूअर्स ये देख सकते हैं कितना जुनून होता है पतंग के अंदर, बच्चों के अंदर। ये देखें पागल हो जाते हैं पतंग के पीछे। और ये देखें ऊपर चढ़े हैं दरख्त के ऊपर, अपने बच्चों का ख्याल रखें। गेम शो सैयद जुनैद की जानिब से ये आपको वीडियो शूट की जा रही है। इसको मना किया हमने ऊपर नहीं चढ़ो, लेकिन ये बच्चा खतरनाक दरख्त के ऊपर चढ़ा है। ये देखिए, देख सकते हैं आप व्यूअर्स, अपने बच्चों का ख्याल रखें। ये देखें पागलों की तरह ये ऊपर से नीचे उतर रहा है, ऊपर बिजली के तार है लेकिन इसने पतंग के चक्कर में ऊपर चढ़ा, पतंग भी हाथ में नहीं आई इसके और ये गिरा ऊपर से आपके सामने। क्या करने चढ़ा था ऊपर? मेरे से पैसे ले लेता मैं दे देता, लेकिन अब नहीं मिलेंगे तेरे को पैसे जी तुम लोगों को पतंग के चक्कर में। क्या लूट के लाए? व्यूअर्स ये देख सकते हैं आप, ये पतंगबाज हैं। ये देखें आप, आपके सामने ऊपर देखें पतंग उड़ रही है। और ये देख सकते हैं ये बच्चा चरखी लेके पकड़ा हुआ है। अच्छा ये बताएं, अगर किसी के गले के ऊपर मांझा लगे तो क्या होगा? कट जाएगा। क्या कट जाएगा? गल्ला उसका। तो आप इसलिए मैदान में आते हैं? व्यूअर्स इसको बोलते हैं चरखी। और ये जो है सद्दी लपेटी जा रही है। और ये हमारे इलाके के बब्बू भाई हैं, इस्माइल नाम है इनका। और ये सद्दी लपेटे जा रहे हैं और ये चरखी इसको बोलते हैं, ये चरखी लपेट रहे हैं। और ये पतंग, ये सलमान भाई देखें ऊपर चढ़ के, इनको देखें कितना जुनून है पतंग उड़ाने का रमजान के महीने में। ग्राउंड के अंदर ये बहुत सारे बच्चे हैं माशाल्लाह, और इन बच्चों के पास और तो कोई काम नहीं रहा सिवाय पतंग उड़ाने के। लिहाजा ये कि आप लोगों से अपील की जाती है, आप भी इधर आ जाए मिस्टर बीन, पतंग के ऊपर पाबंदी लगाई जाए। समझ में आ रही है कि वजीर आला मुराद अली शाह साहब भी है और शहबाज शरीफ भी है। नहीं नहीं, वजीर आला पूरी माशाल्लाह मुर्तुजा बाप साहब भी हमारे साथ। गुजारिश है ये पतंगबाजी बंद होनी चाहिए बस, और वो जो आगे निकल है, और अगर ये बंद नहीं हुई तो फिर ये होगा। पाकिस्तान।